अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और आज मेरी अम्मी लेके आई हैं पालक और मेथी। अभी हम लोग पालक और मेथी साफ़ करने लगे हैं। रात की थोड़ी सी टेंशन बनी हुई थी, गैस में कोई प्रॉब्लम हो गई है और गैस हम पूरे मोहल्ले की नहीं आ रही गैस, और अभी गैस ठीक करने वाले अभी तक आए भी नहीं हैं। और अल्लाह करे अब हम लोगों की जल्दी से घर की गैस आ जाए। तो जी ये पालक आ गई, ये पालक भी लाई है अम्मी, दो गठियां पालक की हैं और एक है मेथी की और हरा धनिया है। ये अब हम लोग करने लगे हैं साफ जी। ये अब हम लोग पालक काट रहे हैं, पालक काट के इसको साफ करके और अच्छे तरीके से वॉश करके फिर हम लोग इसको सेव कर लेंगे। और जी ये हम लोग पालक काट रहे हैं। तो जी हमारी पालक तो कट गई है, अब हमारे पास रह गई है सिर्फ मेथी। ये पालक हम लोगों ने काट ली है और पालक कट गई, मेथी साफ करके इसमें डालेंगे और मेथी और पालक दोनों को इकट्ठा वॉश करेंगे। वॉश करके इसको रख देंगे। आज बनाना तो मेरी अम्मी ने हलीम था, लेकिन अब देखें क्या बनता है। हाँ, पालक बनती है कि हलीम बनता है, पर गैस का भी प्रॉब्लम है क्योंकि गैस अभी तक ऑन नहीं हुई। तो गैस अभी तक ऑन नहीं हुई और ना ही कोई गैस ठीक करने वाले आए हैं। और देखें अब क्या करते हैं। भाई को मम्मी कह रही थी कि कहूँगी कि सिलेंडर भरवा के ले आए, फ़िलहाल सिलेंडर पे काम चलाएं क्योंकि रात शुक्र अल्लाह का हादसा होते होते बच गया। काफ़ी आग लग गई थी, फैल गई थी, पर शुक्र है कंट्रोल हो गया था। गैस की पाइप लाइनें फट गई थी, उनको आग लग गई थी। और फिर अब पालक बनती है या हलीम पकता है इस चीज़ का नहीं पता, अभी अम्मी ही डिसाइड करेंगी कि क्या बनाती हैं। अच्छा जी हमारी पालक तो कट के रेडी हो गई जी। अभी तो हम लोग करने लगे हैं मेथी साफ। तो ये मेथी को कर देते हैं कट यहाँ से। अब मेथी साफ करके काट के फिर हम लोग इसको वॉश करेंगे खुले पानी से। तो जी हम लोग कर रहे हैं मेथी साफ, इसका एक एक करना पड़ेगा पत्ता और एक एक डंडी, इसको अच्छे तरीके से निकालना पड़ेगा साफ करके। तो जी हम लोग मेथी साफ़ कर रहे हैं और मेथी का एक एक पत्ता हम लोगों ने यूँ साफ़ करना था, यूँ ये देखें ये इस तरह पत्ता साफ़ करना था। एक एक डंडियाँ नहीं काटनी थी, पत्ते उतारने थे इसके साथ से, और ये पत्ते उतार लिए हम लोगों ने, बस ये थोड़ी सी रह गई है। और ख़राब पत्ते हम लोगों ने नहीं डालने थे, जैसे कि ये हैं इस तरह के येलो वाले फ्रेश पत्ते डालने थे। तो ये हम लोग अब डाल रहे हैं, बस थोड़ी सी रह गई है। हमारी मेथी भी ख़त्म होने वाली है, मेथी तकरीबन साफ़ हो गई। फातिमा खतीजा ट्यूशन गई हुई हैं, अभी गई हैं बस, मदरसे से आई हैं और ट्यूशन गई हैं, और बस अब पेपर उनके ख़त्म होने वाले हैं, एक दो पेपर ही रह गए हैं। और कल तो है संडे, कल ऑफ होगा उनका, तो बस अभी गई हैं तो पेपर की तैयारी करेंगी। कल भी शायद हो सकता है जाएं, और ताकि उनके पेपर्स की अच्छी तरीके से तैयारी हो। और यही दुआ है कि अल्लाह ताला सब के बच्चों को कामयाब करे और मेरी बच्चियों को भी करे, जिन जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और जिनके हो चुके हैं, और अल्लाह ताला सब के बच्चों को कामयाब करे और मेरी बच्चियों को भी कामयाब करे, उनके अल्लाह ताला नसीब बच्चे करे। सो मामीन, हमारी मेथी हो गई है फिनिश। अब हम लोग चलते हैं किचन की तरफ और किचन में जाके इसको अच्छे तरीके से खुले पानी से वॉश करते हैं ताकि इसमें मिट्टी वगैरह ना रहे। तो जी अब हम लोग धोने लगे हैं मेथी और पालक इकट्ठी धोएंगे और ये थोड़ी थोड़ी करके वॉश करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से हो जाए, इसमें मिट्टी वगैरह ना रहे। वॉश कर लेंगे और फिर हम लोग रख देंगे इसको फ्रीजर में, क्योंकि ये आज पकेगी नहीं, ये पकेगी तो कल पकेगी, क्योंकि गैस का भी मसला है। और
जी ये हमारी हो गई है पालक और मेथी वाश। इसके हम लोगों ने अच्छे तरीके से वाश किया है, उस वक्त तक करते रहे हैं जब तक इसके अंदर से मिट्टी और रेत ख़त्म नहीं हो गई, तब तक हम लोग इसको वॉश करते रहे हैं। अब ये हमारी हो गई वॉश अच्छे तरीके से। फिर ये है कि मिट्टी और रेत ना निकले, तो फिर पकाएं जब, तो फिर तब में रेत और मिट्टी का पेस्ट आता है, फिर अच्छा नहीं लगता खाने में, अच्छी नहीं लगती पालक और मेथी। तो ये हमारी हो गई पालक और मेथी साफ। जी ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, हो गई हमारी मेथी है वो। वैसे अभी वैसे हम लोग इसको फ्रीज़र में, फ्रीज़र वाली हम लोग नहीं खाते, लेकिन अब मजबूरी है, अम्मी ले आई हैं, अम्मी को अच्छी लगी है और अम्मी ले आई हैं। और अब हम वैसे हमारे घर ताज़ी की ताज़ी सब्ज़ी आती है, जब हम लोगों ने पकानी होती है तब आती है, फ्रेश सब्ज़ी पकती है, ना फ्रिज वाली इस्तेमाल होती है और ना ही फ्रीज़र में रखी हुई इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग इसको रखेंगे फ्रीज़र में बैग में डाल के। तो जी हम लोग रखने लगे हैं इसको बैग में डाल के फ्रीज़र में, और हम लोग इसको पैक करके फ्रीज़र में रख देंगे और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल पकाएंगे इसको। देखें अब कल पकती है, कंफर्म नहीं है, या आज पकती है। तो ये हम लोगों ने डाल ली बैग में, सारी एक साथ ही डाल देंगे इकट्ठी। फिर जब आएगी गैस तो फिर हम लोग इसको बॉईल कर लेंगे, बॉईल करके फिर हम लोग इसको पकाएंगे। पालक हम लोगों ने रख ली है फ्रीज़र में। अब ये जो हमारा है थोड़ा बहुत किचन हम लोगों ने गंदा किया है, पालक और मेथी धोते वक्त, उसको हम लोग कर लेंगे साफ। तो माय फैमिली यहाँ पे एक परिंदा बैठता था, जहाँ पे ग्रीन बोतल आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ पे एक परिंदा बैठता था जो अंडे देता था। तो कल मेरी अम्मी ने कहा है कि इस बेचारे की जगह नहीं है बैठने की सही ना, तो मैंने बोतल काट के रखी और उसी में उसके अंडे भी रखे और बाकी जो उसका घोंसला था वो भी रखा, लेकिन वो बेचारा अब पता नहीं किधर चला गया है। तो वो देता था पाइप पर अंडे, घोंसला रखा हुआ था तो वहाँ से अंडे गिर जाते थे। तो अम्मी कहने लगी कि इसके अंडे गिर जाते हैं, बेचारे का नुकसान हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो बेहतर यही है कि इसका ना बोतल काट के घोंसला सा बना दे। अब वो बनाया और वो बेचारा उड़ी गया। अब ये लेके आए हैं, ये अम्मी लेके आई हैं और ये अम्मी ने मुझे अब दिया है कि इसकी ना बोतल में रखो, इसका घोंसला बना के दोबारा से। अब मैं इसका दोबारा से घोंसला बनाने लगी हूँ और रखने लगी हूँ, अल्लाह करे अब वो आ जाए वापस। तो उसको बेचारी को घर टूटने का दुख हुआ है, पर उसका घर सही था भी नहीं, उसका अपना नुकसान हो जाता था। तो वो हमेशा यहीं पे बैठती है, बैठता है, बैठती है परिंदा। तो पता नहीं वो कहाँ चला गया, कहाँ गई है। तो अब ये देखें, अब ये मैं बना के रखने लगी हूँ, अल्लाह करे वो आ जाए। तो आ गई फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि जी ये देखें, ये बोतल अभी मैंने उतारी है और इसका एक अंडा भी पड़ा हुआ है इसमें और वो खुद नहीं है, पता नहीं कहाँ गई। अब ये मैं लगाने लगी हूँ दोबारा से, इसके घोंसले में रखने लगी हूँ दोबारा से घोंसला बना के। अब अल्लाह करे वो आ जाए और जब आई तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि फिर आप बताइएगा कि ये कौन सा परिंदा है। तो जी ये मैं बना तो रही हूँ अपनी तरफ से इसका घोंसला छोटा सा, जो मुझसे बन गया और उस परिंदे को पसंद आ गया तो फिर तो चल जाएगा, वो आ जाएगा वापस लौट आएगा। तो स्पेशल ये मेरी मम्मी लेके आई है कि ये बनाओ भाई और बना के रखो। अब मैं बना के रखने लगी हूँ, पता नहीं गया किधर, घूमने फिर नहीं गया किधर गई है। तो जी ये हम लोगों ने रख दिया इसका अंडा, लगता है उसको मेरा बनाया हुआ घर ही पसंद नहीं आ रहा। तो मैंने तो अपनी तरफ से नेकी की है कि बेचारी के गिर जाते हैं अंडे और सारी के बेचारी के टूट जाते हैं अंडे और उस बेचारी के नखरे नहीं ख़त्म हो गए, पता नहीं किधर चले गए वो। और ये हम लोगों ने बना लिया, अब ये रखने लगे हैं वापस हम लोग ऊपर जहाँ से ये बोतल हम लोगों ने उतारी है। तो जी ये हम लोगों ने वापस रख दिया है घोंसला बना के और अब अल्लाह करे वो आ जाए। और अब असर की अजानें भी होने लग गई हैं, तो उसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा।